फ्रेंड्स, आज हम थर्ड वीडियो की तरफ चल रहे हैं, थर्ड ट्रेंड की तरफ चल रहे हैं, जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमने पहले एटॉमिक साइज की बात की थी, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करी थी, और उसके बाद हम थर्ड ट्रेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नाम से समझो एंथैल्पी का मतलब क्या बताया था, एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। रिलीज मतलब प्रोसेस कैसा है, एंडो या एक्सो, तो प्रोसेस कैसा हो गया बच्चों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। जबकि जब आयनाइजेशन पढ़ाया था तब बताया था प्रोसेस कैसा था, एंडोथर्मिक प्रोसेस का। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, कि आयनाइजेशन जो होती है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब इसमें भी क्या है, एक मोल आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन को, एक एलिमेंट को आपने जब गैस में कर, आपने उसे जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा लिया, उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आई रिपीट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस फ्रॉम विच एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कन्वर्टेड इनटू इट्स एनायन। अगेन वही शब्द वापस इंपॉर्टेंट, एटम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड, H2 ऐसा नहीं चलेगा, H ही होना चाहिए। कौन सी स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक। एक बात ध्यान रखेंगे, एक्सोथर्मिक होती है। अब एक दो बातें आपको मैं आपको बता दूं, कुछ एक्सेप्शन की बात करेंगे यहाँ पे भी, आगे चलते हैं। कुछ एक्सेप्शन जैसे कि जो ग्रुप 2 नाइट्रोजन एंड ग्रुप 18, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। बोलिए सर क्यों ऐसा, मतलब इनको एनर्जी देनी क्यों पड़ रही है। बच्चा ग्रुप 2 का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, जनरल NS2 यानी फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होती है इसके ऑर्बिटल में, इसी वजह से ये जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, एक इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, इसी वजह से क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव। सेम नाइट्रोजन का केस भी आ जाएगा, 1s2 2s2 2p3 हो गया, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के अगेन स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। नोबल गैसेस पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है, इनको तो बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है, बोलेंगे क्यों उनमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं लेने वाला इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इनकी भी क्या होती है, इसीलिए इनकी भी क्या होती है आपकी अल्टीमेटली ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। चलिए अब कुछ ऑर्डर्स की तरफ चलते हैं जल्दी से। आज आपने वापस ग्रुप 1 नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है बच्चों, मैंने वो लेफ्ट टू राइट, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है ना। बताओ ना यार, ये क्या है, मेटल, फ्लोरीन क्या है सर, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, चूंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होती है। नेगेटिव क्या बताता है बच्चों यहां पे, कि प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है। नेगेटिव क्या बताता है, प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। When you move from top to bottom in a group, electron gain enthalpy जो होती है, वो क्या होती है? Decrease होती है। क्यों decrease होती है बच्चों? क्योंकि नीचे जाने पे क्या बढ़ता है आपका? Metallic character बढ़ता है। Metallic character बढ़ रहा है, तो electron gain करने की tendency क्या हो रही है? कम हो रही है। इसीलिए electron gain enthalpy, जब आप when you move from top to bottom in a group, electron gain enthalpy decreases. When you move from left to right in a periodic table, electron gain enthalpy increases. Definitely इसका magnitude negative होगा, और sign कैसा होगा बच्चों? Exothermic. चलिए हम groups पे आ जाते हैं इंडिविजुअल। Group 1, same concept.
ग्रुपर का नाम हर बार बताना होता है, क्या बताया था? एंटी मेटल, बताओ, लिथियम सोडियम पोटेशियम रिलियम सीजियम, कुछ भी नहीं है। पीछे जाओगे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज। बहुत बढ़िया, यानी लिथियम की सबसे ज्यादा और सीजियम की क्या होगी? सबसे कम होगी। चलो वापस बुक पे आ जाओ। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम रेडियम, नाम बेरियम, नाम क्या है ग्रुप का? एल्कली, अर्थ मेटल। अगेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे जाओगे तो क्या होगी? डिक्रीज होगी, मतलब बेरिलियम की सबसे ज्यादा और बेरियम की सबसे कम। आ जाओ अपने डी ब्लॉक में, बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली की बात करो, एलिमेंट्स के नाम बताओ। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, मैंगन, आलू गोभी, एक केला। अब क्या होगा नीचे जाने पे? अगेन वापस क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज, बोरॉन की सबसे ज्यादा, थैलियम की सबसे कम। चलो अगले पे आ जाओ, ग्रुप 14। ग्रुप 14 में क्या है अब आपका? कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। वापस नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी, तो कार्बन की सबसे ज्यादा होगी, लेड की सबसे कम। नेक्स्ट ग्रुप 15 पे आ जाओ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीनमी, इसमें वापस नीचे आओगे, टॉप टू बॉटम आओगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी, मतलब नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होगी, इसमें की सबसे कम होगी। अगला, अब यहां से वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन फैमिली, क्या नाम बताया था? नाइट्रोजन फैमिली का नाम क्या था जल्दी बताओ? निकोजन कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली को, और ऑक्सीजन फैमिली को क्या कहते हैं? कैल्कोजन। बताया है मैंने कि ऑक्सीजन फैमिली की मैं बात करूं आपसे, तो ऑक्सीजन फैमिली के अंदर बच्चों ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलियम को होता क्या है बच्चों? ऑक्सीजन चूंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना, पर ऑक्सीजन का साइज भी बहुत छोटा है, तो अब पहले ऑक्सीजन के अंदर चार इलेक्ट्रॉन तो भरे हुए हैं, तुम तो एक इलेक्ट्रॉन और भर दोगे ना, उसके पास कोई वैकेंसी और टलना कोई और चीज, इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बहुत इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से इसका जो ऑर्डर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्के से आना एग्जाम में, सल्फर, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद टेलीनियम, उसके बाद पोलोनियम, और लास्ट में आता है ऑक्सीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, पक्के से पूछा जाएगा एग्जाम में। ये क्वेश्चन है आपकी JEE 2017 का, बहुत इंपॉर्टेंट आसान सा ऑर्डर, अगर आपको याद हुआ तो सीधे क्वेश्चन में नंबर मिलेंगे, नहीं तो गलत होगा। ऐसे ग्रुप 17 में आते हैं हैलोजन, हैलोजन की बात करेंगे आपसे, तो हैलोजन के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन। नीचे जाने में बढ़नी चाहिए, पर वही बात, क्लोरीन का साइज छोटा होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन लेना इतना आसान नहीं होता, तो ऑर्डर आता है क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन सेकंड पे ही आता है, ऑक्सीजन इधर लास्ट में चला जाता है, याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन होता है। नीट का क्वेश्चन 2019, समझ रहे हो? एक एक ट्रेंड पे हर साल क्वेश्चन आ रहा है, आखिरी ट्रेंड ग्रुप 18 इस साल का क्वेश्चन 2022 नीट का, 2022 नीट ग्रुप 18 का ऑर्डर। ग्रुप 18 में पहली चीज तो मेरे को मैंने बताया था क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, क्योंकि स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है। ऑर्डर याद करेंगे, नियॉन, नियॉन के बाद आर्गन और क्रिप्टन की बराबर होती है, उसके बाद होती है ज़ेनॉन की, उसके बाद होती है रेनॉन की, उसके बाद होती है हीलियम की, हीलियम की सबसे कम होती है और नियॉन की सबसे ज्यादा। याद करना पड़ेगा ऑर्डर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी आपको कोई डाउट आए वीडियो में तो आप लोग नीचे कमेंट में बोल सकते हो, कोई टॉपिक आपको चाहे पढ़ने के लिए तो आप टॉपिक का नाम बता सकते हो, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।